लोकसभा चुनाव के लिए पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नीतीश कुमार के अलावा राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने शामिल होकर एकजुट विपक्ष का मैसेज दिया। इस बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बैठक को लेकर बड़ा हमला बोला है। आप ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर वन बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी को, उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तब नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते ना कि दीज पॉलिटिकल लीडर्स हैव एरोगेटेड देमसेल्व्स दिस राइट टू हु टू कॉल सेक्युलर एंड हु टू कॉल कम्युनल। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए, क्या आपका क्या है उसमें बताइए। कौन सा एजेंडा है आपका, क्या करेंगे आप बताइए। आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साल मदरसे को जला दिया गया, आप वहां पर नहीं जाते, देश के पूरे लोगों को बुलाते हैं वहां पर, अपोजिशन लीडर्स को। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।